अब चाहते हैं कि सबसे पहले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो स्टेज डायरेक्टर हैं विकास विद्यार्थी जी, जिनके नेतृत्व में जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो उन्हीं के नेतृत्व में होंगे, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इस पूरे समाज को, बच्चों को दो शब्दों में ये विकास विद्यार्थी जो स्टेज डायरेक्टर है संबोधित करें। आप सभी को मेरा चरण वंदन है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे इस माँ गायत्री पब्लिक स्कूल जिठवार बाजार का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तरारी अज्ञान और सहार एवं कृषि पदाधिकारी तरारी के कर कमरों द्वारा किया गया। यहाँ पर उपस्थित जिठवार सिदहा और संगर डी एवं अन्य पंचायतों के प्रतिनिधिगण श्रोता समाज, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। आज माँ राजेश्वरी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस स्कूल का आपके समक्ष उद्घाटन किया गया और इसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे सीनियर ब्रांच माँ गायत्री पब्लिक स्कूल हसन बाजार के द्वारा जो भी छात्र छात्राएं इस कला में भाग लिए हैं वो अपना कलाकारी दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे मंच पे विद्यमान सभी मेरे सीनियर टीचर को मैं नमन करता हूँ। आपके समक्ष इस मंच पे हमारे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल खुटहा ब्रांच के भी प्रिंसिपल सर विद्यमान है, जो कि व्हाइट ड्रेस में है। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल खुटहा बाजार, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल हसन बाजार का प्रिंसिपल सर मंटू कुमार पटेल जी यहाँ विद्यमान है। आपके जिठवार बाजार पे स्थापना इसलिए किया गया कि एक रूरल एरिया में, एक देहात क्षेत्र में एक सुनियोजित बढ़िया विकसित शिक्षा दी जाए। शहरों में तो स्कूल हर साल खुलते हैं पर शहर के लोग और शहरी होते जाते हैं और देहात के लोग और गवार देहात होते जाते हैं, क्योंकि देहात पे सभी लोग ध्यान नहीं देते और हम लोग खास इस देहात पे ध्यान दिए हैं, जो कि खुद अपना ब्रांच जिठवार इस माँ राजेश्वरी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया है और इसका जो सीनियर ब्रांच है हसन बाजार में एक स्टेट हाईवे पर है, जो कि थोड़ा विकसित है पर इससे थोड़ा अलग होकर एक छोटा बाजार पे हम लोगों ने इस ब्रांच को डाला है, ताकि यहाँ के इर्द गिर्द के सभी बच्चे, सभी गार्जियन यहाँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। हम अच्छी शिक्षा देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम जो कुछ भी अपने छात्र छात्राओं को सिखाए हैं, इसका मैं ज्यादा अपना भाव व्यक्त नहीं करूंगा, पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम 2011 से ही चलते आ रहा है और हर साल एनुअल फंक्शन पे हसन बाजार ब्रांच के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहा है और आज उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो कुछ भी सिखाए हैं, जो कुछ भी बताए हैं, वो आपके समक्ष होगा। धन्यवाद।